कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। चुनाव नतीजों से पहले सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा को धर्म की आड़ में राजनीति करने वाली पार्टी करार दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा का विकास से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। भाजपा धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करना चाहती है। चुनाव आयोग को आंख में पट्टी बांधकर नहीं बैठना चाहिए। राम मंदिर एक बार फिर प्रदेश में राजनीति का मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर राम मंदिर के फोटो को अपना प्रोफाइल पिक्चर बनाया है, जिस पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चलते चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े पोस्टर प्रदेश में लगे थे। पोस्टर के बैकग्राउंड में राम मंदिर का फोटो था। चूंकि हम भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, नहीं तो हम पर सनातन विरोधी का आरोप लगता। पर चुनाव आयोग को तो आंख पर पट्टी बांधकर नहीं बैठना चाहिए। देखिए ये तो क्या है, चुनाव आयोग को कितना दोष दें हम? चलते चुनाव में इनके पोस्टर जगह जगह लगे थे नरेंद्र मोदी साहब के, उसके बैकग्राउंड में राम मंदिर का फोटो था। चूंकि हम भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, नहीं तो हम पे वही आरोप लगता कि ये सनातन विरोधी हैं, ये विरोधी हैं। पर चुनाव आयोग को तो आंख पे पट्टी बांध के नहीं बैठना चाहिए। इस देश के संविधान की पहली लाइन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन अब चुनाव आयोग भी किसके दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करना चाहती है, विकास से इनका दूर दूर तक संबंध नहीं है। देखिए मेरी बातें उसमें आ गई, प्रश्न के मैंने जो जवाब दिया है कि ये धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीति का शिकार करना चाहती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भारत की जनता समझ जाएगी कि ये धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोग हैं, विकास और निर्माण से इनका दूर दूर तक संबंध नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।